हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो चलिए हम अपना आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आज जो हम ये क्राफ्ट बनाने वाले हैं ये बहुत ही सिंपल एक झरोखा डिज़ाइन है और वो भी हम लिप आर्ट से बनाने वाले हैं तो देखिए पेंसिल से मैंने यहाँ पर इस तरह से एम डी एफ बोर्ड पर डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है अगर आप चाहें तो यहाँ पर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं अब देखिए हम यहाँ पर एयर ड्राई क्ले का यूज़ कर रहे हैं और इनको अच्छे से हम लोग को क्या करना है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्रेंड्स मिक्स होने के बाद हमें क्या करना है इसका छोटा सा पार्ट लेकर इसको अच्छे से लंबा लंबा बेल लेना है तो फ्रेंड्स जो आपने डिज़ाइन बनाया है आप उसके हिसाब से ही आप इसको पेस्ट करते जाएं और इसको अच्छे से ग्लू लगा कर ही पेस्ट करें फ्रेंड्स और फटाफट से इस वर्क को कंप्लीट करें क्योंकि अगर जब आप ये दोनों पोर्शन मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारे क्ले है ये बहुत ही जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और अगर एक बार ड्राई होना ये स्टार्ट हो गई तो फ्रेंड्स ये बहुत हार्ड हो जाती है फिर आप इसको अच्छे से बेल नहीं पाएंगे तो आपकी फ्रेंड जो भी डिज़ाइन है आप उसके अकॉर्डिंग लंबे लंबा इसको बेल लीजिए और इसको अच्छे से आप इसको पेस्ट करते जाएं और फ्रेंड्स आप इसको बहुत ही आराम से बनाएं क्योंकि आप इसको जितना आराम से आप इसको बनाएंगे उतना ही आपके क्राफ्ट में फिनिशिंग आएगी और फ्रेंड इस तरह से आप इसको अच्छे से आपने आपने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पेस्ट करते जाएं और इसको कंप्लीट कर लें और ड्राई होने के लिए रख दीजिए फ्रेंड जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है ये वर्क इसके बाद आपको क्या करना है इसके ऊपर टेक्सचर देना है इसको ड्राई होने से पहले फ्रेंड टेक्सचर दीजिए क्योंकि हार्ड होने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पर रिफ़िल का भी यूज़ किया है उसकी बैक साइड से मैंने ये राउंड शेप बनाई है इसके बाद हमें इसके अंदर क्या करना है कुछ लीव्स बनानी है तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लीव्स बनाई हैं फ्रेंड्स आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही आप लीव बनाना ट्राई कीजिए बहुत ही आसान है आप बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे आपको क्या करना है थोड़ा सा क्ले का पोर्शन लेके आपको उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना और आपकी लीव बनकर तैयार हो जाएगी और सेम वैसे ही मिरर्स को भी आपको करना है इसके बाद फ्रेंड जो आपका क्राफ्ट है आपको उसके ऊपर एक कोट वाइट कलर का ज़रूर करना है फ्रेंड्स ये बात मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको जब भी आप कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो आप उसके ऊपर वाइट कलर जरूर लगाएं क्योंकि आप जब मेन कलर इसके ऊपर करते हैं तो वो हमारे कलर जो है निखर कर आते हैं इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है कलर्स की कलर्स जो फ्रेंड्स आप क्राफ्ट के ऊपर यूज़ करते हैं वो आप हमेशा ही अपनी चॉइस के लिए और देखिए मैं हमेशा एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करती हूँ अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको एक्रेलिक कलर अगर आप अच्छा क्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ करें नहीं तो आप जो हमारे ट्वेंटी रुपीज़ वाले जो कलर्स आते हैं वो आप रंगीला के कलर्स भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद जो हमने लीव्स बनाई थी वो भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दी हैं और जो हमारे मिरर से बनाए थे हमने वो भी हमने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से ड्राई होने दें और ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है आप इनके ऊपर एक कोट वाइट कलर का आप ज़रूर लगाएं क्योंकि तो इनको इनके ऊपर भी आपको कलर करना है तो इनको भी आप अच्छे से वाइट कलर से एक कोट कर दें ताकि जो आप कलर करें वो हमारा अच्छा दिखाई दे तो फ्रेंड इस तरह से आप इसको ड्राई होने दें वाइट कलर को और उसके बाद ही आप दूसरा कलर करें अगर आपने इनके ऊपर ही दोबारा कलर किया तो आपका कलर जो है मिक्स हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड जो हमारे क्राफ्ट के कॉर्नर्स होते हैं साइड्स होती हैं आपको उनके ऊपर भी अच्छे से कलर कर देना है ताकि वो भी हमारा क्राफ्ट बहुत ही सुंदर दिखाई दे इसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने लीव्स को महरून कलर दिया है आप चाहें तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर भी दे सकते हैं बट मुझे ये येलो के ऊपर ये रेड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इस कलर को मैंने किया है तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं और इस तरह से अपना जब ये आपका ग्रीन कलर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और एक कोट आप इसके ऊपर वार्निश की अच्छे से अप्लाई कर दें लास्ट में फ्रेंड्स हमारा काम है हमारा मिरर्स का तो फ्रेंड्स आपके पास जो मिरर अवेलेबल है आप वो मिरर यूज़ करिए और क्राफ्ट में जितनी आपके पास जगह है उसके हिसाब से ही आप अपने मिरर्स को चूज़ कीजिए अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप उसके अंदर छोटे आप साइज़ के आप मिरर लगा सकते हैं अगर आप स्पेस ज़्यादा है तो आप वहाँ पर बड़े साइज़ के मिरर लगाइए और इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना जो ये वर्क है आप ये कंप्लीट कर लीजिए मैंने लास्ट में यहाँ पर डॉट्स मेरी बनाने के लिए रह गई थी तो मैंने वो बाद में बना ली है फ्रेंड्स तो आप भी इसी तरह से आप इसको डॉट्स अपने जो आपने मिरर लगाए हैं उसके चारों तरफ आप इस तरह से आप अच्छे से डॉट लगा दें और इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है हमारे ग्लास की तो हमने जो क्राफ्ट के अंदर जो जगह छोड़ी हुई थी हमने उसके अंदर इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है और बॉल हैंगिंग है तो हमने उसके लिए इसके पीछे एक हुक लगा दिया है तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारे क्राफ़्ट का फ़ाइनल लुक तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना तो ये फ्रेंड्स बिगनर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जो ये हमारा झरोखा डिज़ाइन है विधलीपन आर्ट मैंने बहुत ही सिंपल रखा है ताकि बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकें तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हाँ फ्रेंड्स आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर